हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें एस्टिमेशन करेंगे, क्लास सिक्स की क्लास है ये, ठीक है। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन हम पहले वाली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं ना। एस्टिमेशन का मतलब होता है लगभग। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? लगभग, आपको मतलब कि लगभग वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब ये बताएगा लगभग नियरेस्ट 10 लेनी है, नियरेस्ट 100 लेनी है, नियरेस्ट 1000 लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10। आपको नियरेस्ट 10 एस्टिमेशन लेना, यानी नियरेस्ट 10 के लगभग लेना। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू लेंगे वो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 ही होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यार 23 दे रखा है, ठीक है। 23 किस किस के बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में आता है, मतलब नियरेस्ट 10 दिया है तो यहाँ पे हम 10 का ही डिफरेंस लेंगे, ठीक है। 23, 20 और 30 के बीच में आता है, ठीक है। और 20 और 30 के जस्ट बीच में कौन आता है? 25 आता है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि 23 किस तरफ आता है। तो 23 जो है इस तरफ आता है या इस तरफ आता है? 23 हमारा इस तरफ आएगा, 25 से पहले आएगा, यानी कि हमारे इसकी एस्टिमेशन की वैल्यू क्या हो गई है? 20, ठीक है। तो ये 20 प्लस 89 का देखेंगे, 89 किसके बीच में आता है? 80 और 90 के बीच में। 10 का डिफरेंस ही लेना है क्योंकि नियरेस्ट 10 बोला है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो कौन है? 85। अब देखो आप 85 किस तरफ आता है, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ आता है या इस तरफ? 89 इस तरफ आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 90, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो तो आंसर कितना होगा? 110, ठीक है। तो ये आपकी नियरेस्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी का 5 क्वेश्चन है। ये तो 2 डिजिट ही दे रखी, इजीली हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 3 डिजिट दे रखे, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। 3 डिजिट दे रखे, इनको नियरेस्ट 10 कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे दे रखा 518, ठीक है। तो आपको नियरेस्ट 10 बोला है, यानी कि वंस और टेंस आपको ये 2 डिजिट ही देखनी, चाहे कितनी भी डिजिट दे रखी हो, लेकिन आपको देखनी है सिर्फ ये 2 डिजिट है, ठीक है। 18 किस किस के बीच में आता है? 18 आता है 10 और 20 के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 15, ठीक है। अब देखेंगे कि 18 किस तरफ आता है, इस तरफ या इस तरफ? 18 इस तरफ आता है, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा? 20, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ? 5, तो सबके आगे क्या लगा दो? 5, 5, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया? 520, ठीक है। प्लस इसकी भी 2 डिजिट देखेंगे, 23 किसके बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में आता है, बीच में आता है हमारा 25, और 23 इस तरफ आता है या इस तरफ? इस तरफ आता है, यानी आंसर ये वाला होगा। आगे कितना लिखा हुआ? 4, 4, 4, 4, आगे कितनी भी डिजिट हो, ठीक है, आपको वो उसके आगे लिख देनी, यानी आंसर कितना हो गया? 420, ठीक है। इनको आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 940। बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स वाला ये दे रखा, आप घर पे सॉल्व करेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, जिसको आपको नियरेस्ट 100 एस्टिमेट निकालना है, ठीक है। नियरेस्ट 100 का मतलब ये कि जैसे 10 में हम 10 का गैप ले रहे थे तो इसमें 100 का लेंगे। जैसे 213 जो है वो किसके बीच में आता है? 200 और 300 के बीच में आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने 100 का गैप ले दिया है क्योंकि नियरेस्ट 100 बोला था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का नंबर कौन है? 250, कौन है? 250, जस्ट बीच में कौन आता है? 250 आता है, हमको क्या चाहिए? 230। अब 213 इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा? 250 के इस तरफ आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला 200, ठीक है। इसकी एस्टिमेशन वैल्यू जो होगी वो 200 होगी। अब 572 ये किस किस के बीच में आता है? 500 और 600 के बीच में आएगा, बीच में आता है 550, ठीक है। अब 572 देखना है किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, 550 के बाद में आएगा 572, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 600, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे आप, 800, ठीक है, यानी कि आपको लगभग वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी लगभग आ गया 800, ठीक है। फिर मैं इसका 6 क्वेश्चन करा रही हूँ। 6 में देखो आपको बहुत बड़ी डिजिट दे रखी है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नियरेस्ट 100 चाहिए, यानी 1, 10, 100, आपको ये 3 डिजिट ही देखनी है, ठीक है। चाहे डिजिट कितनी भी बड़ी हो, आपको 100 के नियरेस्ट बोला, यानी 100, ये 3 डिजिट ही देखनी है, ठीक है। 283 किस किस के बीच में आता है? 200 और 300 के बीच में, ठीक है। इनके बीच का नंबर है 250। अब 283 किस तरफ आएगा? इस तरफ, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 300, ठीक है।
और आगे 10 जो था वो सेम लगा दिया। ठीक है, अब 380 का मतलब 300 और 400 के बीच में आएगा। ठीक है, तो बीच में क्या आ गया 350। अब 380 किस तरफ आएगा, इस तरफ, यानी कि आंसर कितना हो गया 400। ठीक है, और ये 39 जो है सेम एज इट इज आगे उतार दिया। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन सेकंड के, वो ये मैंने लिख दिया, आप घर पे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, एस्टिमेट नियरेस्ट 1000। आपको नियरेस्ट 1000 निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 1000 तक की डिजिट को देखना है, ये वाली। ठीक है, 1s, 10s, 100s, 1000 यहाँ तक की डिजिट से ही मतलब है आपको। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज उतार देंगे। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट 1000 बोला है, मतलब 1000 का गेप होगा। ठीक है, अब 2782 किस किस के बीच में आएगा, 2000 और 3000 के बीच में आएगा। देखो इन दोनों के बीच में 1000 का गेप है, क्योंकि नियरेस्ट 1000 बोला है इसलिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिजिट आती है, 2500, जस्ट बीच में ये डिजिट आती है। अब आपको देखना है 2782 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इससे बड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3000, यानी कि आपने इतना कि यहाँ पे क्या लिख दिया, 3000, आगे 7 है सेम एज इट इज। फिर 5296 जो है वो किसके बीच में आएगा, 5000 और 6000 के बीच में। ठीक है, अब आपको देख इस इन दोनों के बीच में क्या आता है, 5500। ठीक है, अब देखो इन ये जो 5296 जो है वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा 5200 है इसलिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5000, आगे 1 था सेम 1 एज इट इज लगा दिया। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो 88000 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आप घर पे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, एस्टिमेट नियरेस्ट 10। ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही फोर्थ क्वेश्चन है, हमको वैसे ही करना है, खाली इस उसमें हम प्लस कर रहे थे, इसमें क्या करना है, माइनस करना है। 73 का नियरेस्ट 10 चाहिए, तो इसमें मतलब 73 किसके बीच में आता है, 70 और 80 के बीच में, क्योंकि 10 का गैप लेना है, नियरेस्ट 10 निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का नंबर कौन है, 70 और 80 का, जस्ट बीच में 75 आता है। अब 73 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा 75 से, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 70। फिर 16 किसके बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में, बीच में 15, 16 इस तरफ आता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20। ठीक है, अब 70 में से 20 गया, कितना बचा, 50, ये हमारा आंसर हो गया। सेम है, खाली माइनस करना है। ठीक है, इसके बाकी क्वेश्चन ये मैंने लिख दिए हैं, ये आप सॉल्व करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है इसको भी। जैसे ये 3 डिजिट वाले हैं, तो इनमें भी आपको नियरेस्ट 10 निकालना है, खाली आपको 1s और 10s, ये 2 डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5, एस्टिमेट नियरेस्ट 100। आपको नियरेस्ट, तो हमको खाली 3 डिजिट देखनी है, 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि 1s, 100s और 100। ठीक है, यानी 100 तक ही देखना आपको, नियरेस्ट 100 निकालना है तब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 तक की क्या क्या दे रखा है, 721, यानी कि ये किसके बीच में आएगा, 700 और 800 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है 750। अब 721 किस तरफ आएगा, इस तरफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8700 एट एज इट इज उतार दिया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ दे रखा 095। ठीक है, अब 095 जो है वो किसके बीच में आएगा, 0 और 100 के बीच में आता है। ठीक है, क्योंकि हमको 100 का गेप लेना है। ठीक है, तो 0 और 100 का गेप ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन आता है, जस्ट बीच में 50। अब देखो 95 किस तरफ आता है, इस तरफ आएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, 100। तो हमने 100 लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया, 4। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 4600। ठीक है, नेक्स्ट इसके ये क्वेश्चन है, आप घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन 6 है हमारा, नियरेस्ट 1000 एस्टिमेशन निकालना है। ठीक है, 1000, 1s, 10s, 100s, 1000, यानी कि ये 4 डिजिट लेंगे, यहाँ पे भी 4 डिजिट लेंगे। ठीक है, अब देखो 2764 ये किसके बीच में आएगा, 2000 और 3000। ये क्यों लिया है, क्योंकि नियरेस्ट 1000 लेना है, इसलिए 1000 का गैप लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा 2500
2700 किस तरफ आएगा हमारा, इस तरफ आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3000। तो एस्टिमेशन हो गया 3000 और आगे 4 है, 4 लगा दिया। माइनस 9582, ये किस किस के बीच में आएगा, 9000 और 10000 के बीच में आएगा, ठीक है। अब हमारा बीच में आएगा 9500। अब 9582 है तो 82 कहाँ आएगा, बाद में आएगा 10000, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर, 10000, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10000 नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमने कितनी, चार डिजिट है, तो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10000, यानी पांच डिजिट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो चार डिजिट ही लेंगे, लेकिन ये वन जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 29 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और पीछे के तीन जीरो आपके लगे रहेंगे, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जैसे 10000 दे रखा है, ठीक है, तो 10000 में क्या है, हमको यहाँ पे जैसे 1000 है ना, 1000 तक ही था, यानी चार डिजिट ही थी अपनी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पांच डिजिट आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वन को जो है आगे वाली जो भी डिजिट है उसकी तरफ ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, यानी प्लस कर देना है उसके अंदर। 29 था, मैंने प्लस कर दिया तो 30 हो गया, और बाकी के पीछे के तीन जीरो जो थे वो लगा दिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 29582 का डायरेक्ट नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो देखो 29000 है ना, तो और 582 है, ठीक है, तो ये किसके पास में पड़ेगा, 30000 के पास में पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 30000। अब आप 43000 में से 30000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13000, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे ना, मतलब प्रिंसिपल मैम के नंबर पे आप उन फोटोज़ को सेंड कर दीजिए, फिर मैं उसको चेक करके वापस आपको रीसेंड कर दूंगी, ठीक है, कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है, ठीक है। तो आप करके सॉल्व करके फोटो खींचेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 1.6 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही है जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ निकाल के, मतलब जो एस्टिमेशन निकालेंगे वो करके और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट नियरेस्ट 10, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो इसका फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 36 × 62, सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36, और नियरेस्ट किसके निकालना है, 10 के निकालना है, यानी 10 का गैप लेंगे, 36 बीच में आएगा 30 और 40 के, ठीक है, इस दोनों के बीच में आता है 35, इन दोनों के बीच का लेना है, ठीक है, 35 और 36 किस तरफ आएगा, इस तरफ, तो आंसर हो गया 40। मल्टीप्लाई 62 किसके बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच में आता है 65, 62 इस तरफ आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 24, और पीछे दो जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। बाकी के क्वेश्चन ये दे रखे हैं, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं इसलिए मैंने एक ही कराया, बाकी के आप खुद करेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है एस्टिमेट नियरेस्ट 100, ठीक है, तो अब मैं इसका क्वेश्चन ले रही हूँ फर्स्ट, जैसे दे रखा है 111 × 264, ठीक है। अब देखो नियरेस्ट 100 लेना, यानी 100 का गैप लेना पड़ेगा, 111 किस किस के बीच में आएगा, 100 और 200 के, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन आता है, 150, कौन आता है, 150, ठीक है। अब 111 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, 150 से छोटा है तो हमारा आंसर कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 264 किसके बीच में आएगा, 200 और 300, क्योंकि 100 का गैप लेना है, ठीक है, कितने का गैप लेना वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, 264 यानी इन दोनों के बीच में आएगा 250 और 264 इस तरफ आएगा तो आंसर हो जाएगा 300, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएगा आपका 30000, ठीक है। इसके बाकी के क्वेश्चन ये लिख दिया, आप घर पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन 3 है एस्टिमेट, आपको इसका भी एस्टिमेट ही निकालना है, लेकिन अभी यहाँ पे नियरेस्ट 10, 100 कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसने बोला फर्स्ट नंबर को आपको अपवर्ड लेना है, यानी ऊपर लेना है, यानी बढ़ा के लेना है, और सेकेंड नंबर को डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ कम करके लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट आप 100 ही निकालेंगे, सॉरी
हाँ 100 ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखो वन स्टैंड 100, ठीक है, नहीं दे रखा है तो आपको जितनी डिजिट दे रखी है वही निकालना। अगर यहाँ एक डिजिट और होती 1000 में होती, मैं नियरेस्ट 1000 निकालती, ठीक है। अब देखो 181 किस किस के बीच में आएगा, 100 और 200 के बीच में, ठीक है, बीच में आता है 150। 181 हमारा इस तरफ आएगा, यानी आंसर कितना हो रहा है 200। इसने बोला अपवर्ड लेना है, ठीक है, यानी 200 लेंगे। वैसे भी इधर आ रहा होता तब भी आपको अपवर्ड ही लेना था, ठीक है, क्योंकि इसने बोल रखा है 152। ये किसके बीच में आएगा, ये भी 100 और 200 के बीच में आएगा, 150 बीच में आता है। अब देखो 152 इधर आ रहा है, लेकिन इसने आपको क्वेश्चन में बोला है आपको डाउनवर्ड लेना है, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 152 तो इस तरफ आता है तो ये होना चाहिए आंसर, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला आपको डाउनवर्ड लेना है, यानी ये वाला ही लेना है, तो आपको यही लेना है, ठीक है। फिर आंसर हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन ये मैंने लिखवा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, सेम ऐसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। पहले वाले को डाउनवर्ड में लेना है और सेकंड वाले को अपवर्ड में लेना है। सेम क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखेंगे और घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने थर्ड कराया वैसा ही फोर्थ करना है, ठीक है। इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करके सारे क्वेश्चन ऑनलाइन कराना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप घर पे बैठ के इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेना मेरे से, और हम क्लास में मिलेंगे तो और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।